नहीं गलेंगे। तो पहले हमको स्क्वायर का चार्ट लगेगा, या तो आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। तो देखते हैं स्क्वायर, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये 10 तक आपको सब स्क्वायर्स लगेंगे। तो इससे ही हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो जल्दी से बड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पार्टनर्स निकालेंगे। तो हमको वंस की प्लेस जो होती है ना, मतलब स्क्वायर्स की वंस की प्लेस को हमको चेक करना है। तो पहले हमारे पास वन, तो वन वन का पार्टनर कौन है? तो किसके इन इस 1 to 10 में, किसके स्क्वायर्स में लास्ट के डिजिट में, मतलब वंस की प्लेस में वन आता है? वन वन के स्क्वायर में आता है, वन के स्क्वायर में आएगा है। और 9, 81 वंस के प्लेस में वन आया, इसलिए 9 इसका वन के पार्टनर से 1 और 9। तो अब हम 4 के देखेंगे। 4, तो 2 के इसमें 4 आता है और 8 के इसमें 4 आता है, मतलब 4 के पार्टनर से 2 और 8। फिर 9 3 में आता है और 7 में आता है, 3 और 7। फिर 6 4 में आता है और 6 में आता है। तो हमने पार्टनर्स निकाल लिए। और इसके नीचे 5 और 0, 5 का पार्टनर 5 ही होगा और 0 का पार्टनर 0 ही होगा। तो हमारे पार्टनर्स निकल के हो गए हैं। ये देखिए, इधर फिर से रिपीट होंगे। 6 निकल चुके हैं, 9 निकल चुके हैं, 4 भी निकल चुके हैं, 1 निकल चुके हैं। तो ऐसे, तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है 3136 का स्क्वायर रूट निकाल। अब स्क्वायर रूट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? स्क्वायर का रूट मतलब ये देखिए, ये जो हम आपको क्वेश्चन में आएंगे वो किसी नंबर के स्क्वायर होंगे, और वो किस नंबर के स्क्वायर हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्टेप है हमारी, इधर बीच में हम लाइन मारेंगे, लाइन खींचेंगे। अब ये देखिए, आप ये 36 है और 31 है, और हमको 2 डिजिट के बाद ही लाइन खींचनी है, 3 डिजिट के बाद ऐसा कुछ नहीं करना है, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो 6 का पार्टनर कौन सा है? इधर 6 के पार्टनर है 4 और 6। अब इधर लिखेंगे 4 6। अब ये 4 6 मतलब क्या? मतलब लास्ट हमारा जो आंसर आने वाला है उसमें लास्ट में 4 होगा या 6 होगा, वंस के प्लेस में 4 होगा या 6 होगा। अब हम अगली स्टेप करते हैं, 31। तो 31 किन दो नंबर के बीच में आता है, मतलब कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में 31 आता है? 6 और 7 के बीच में आता है, सॉरी 6 और 7 के नहीं, 5 और 6 के। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है 5 और 6 में? 5। तो हम 5 लेंगे, 5। तो ये देखिए, हमारा जो सेकंड प्लेस का नंबर है, मतलब 10th प्लेस का नंबर है, वो फिक्स है, फिक्स हो गया, मतलब 5 ही आएगा। अब इन दोनों में से हमको एक को चूज करना है, वो किन चूज करेंगे? तो देखते हैं, ये देखिए, इधर 54 आएगा या तो 56 आएगा। इन दोनों के बीच में, 54 और 56 में बीच में 5 से रिलेटेड नंबर कौन सा है? 55। तो हमको 55 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर। तो ये बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना थोड़ा हार्ड जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है। ये जो होते हैं, हम सिर्फ 2 स्टेप्स में
इसके स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसका आइकॉन आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप उस वीडियो को देखिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई के बटन में मिल जाएगी। तो उस पहले इस वीडियो को देखिए, फिर उस वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में। तो पहले मैं मतलब मुझे जैसा पता है वैसा मैं कर रहा हूँ अभी। तो 3025 आता है 55 का स्क्वायर, ओके। तो 3025, तो 3025 को हम इससे कम, सॉरी इसको हम 3025 से कंपेयर करेंगे। ये इससे बड़ा है या छोटा है, याद रखिए जो हमने नंबर लिया है, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उससे कंपेयर करना है, जिसका जो आंसर आया है इधर उससे कंपेयर नहीं करना, उसे कंपेयर नहीं करना इस नंबर से, इस नंबर से इसे कंपेयर करना है। तो ये देखिए आप पहले हम सॉल्व करते हैं फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इसलिए हम 56 लेंगे, हमारा आंसर होगा 56। तो ये देखिए आपने इससे इससे कंपेयर किया होता तो ये इससे छोटा है, फिर आपने क्या 54 लिया होता, फिर आपका आंसर तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसलिए इससे इसे कंपेयर करना है, मतलब जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर से 3025, मतलब जो स्क्वायर का आंसर आया उसे कंपेयर करना है। तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है 5184, तो इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हमारी स्टेप जैसी होती है, बीच में ये, तो बीच में लाइन, फिर दूसरी स्टेप क्या है, फोर, तो फोर के पार्टनर हमको निकालना है। फोर के पार्टनर क्या है, 2 और 8, मैं इधर इसके नीचे आंसर लिखता हूँ, 2 और 8। तो हमको पता चल गया कि लास्ट में 2 या आएगा या तो 8 आएगा हमारे आंसर में। तो अगली स्टेप करते हैं 51। तो 51 दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है या उनके नंबर के स्क्वायर में आता है। तो देखते हैं 51 किसके बीच में आता है, तो 7 और 8, ये देखिए 49 और 64 के बीच में आता है, मतलब 7 और 8 के बीच में आता है। तो इसमें हम छोटा नंबर लेंगे, कौन सा छोटा नंबर लेंगे, ऑलवेज हमको छोटा नंबर लेना है, इधर सिलेक्ट करते हुए, तो 7। तो हमारा जो 10th प्लेस है उसमें तो फिक्स है आप कि 7 ही आएगा, हमको अब इन दोनों में से एक को चूज करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो 72 और 78 के बीच में 5 से रिलेटेड नंबर कौन सा है, 75। तो 75 का हम स्क्वायर निकालना है हमको। तो ये वीडियो होने के बाद उस वीडियो को देख लेना आप सिर्फ 2 स्टेप में ये कर सकते, 75 का निकाल सकते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई है। तो मैं करता हूँ पहले, वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स पर एक वीडियो बनाई है, उसमें ये ट्रिक भी है। तो हमारा 5625 आता है 75 का स्क्वायर। अब इससे हम इससे कंपेयर करेंगे, इससे नहीं, जो नंबर है इसको इससे करेंगे। 5184 इससे छोटा है या बड़ा है वो करना है हमको, ये नहीं करना ये इससे छोटा है या बड़ा है। तो हम पहला हमारा नंबर है, हमको याद रखना होगा ये हमारा नंबर है और ये कंपेयर करने वाला नंबर है। तो 5184 से कंपेयर करेंगे, तो ये इससे छोटा है, हमारा नंबर इससे छोटा है, तो हम छोटा वाला इन दोनों में से जो छोटा है वो लेंगे, 2। हमारा आंसर आ गया 72। तो मैं आपको एक स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको कमेंट करना होगा, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा, और जो पहले कमेंट करेगा और करेक्ट कमेंट करेगा उसकी कमेंट में पिन करूंगा, और आप करेक्ट डालोगे तो मैं रिप्लाई भी दूंगा करेक्ट करना है, और रॉन्ग डालोगे तो रॉन्ग। तो हमारा क्वेश्चन है 3 8
फोर। तो इसको इसके जवाब को आपको कमेंट करना है। तो आपको ये सवाल आया होगा कि ये देखिए इधर सिक्स और फोर है, तो थ्री सेवन, थ्री सेवन या अलग नंबर जैसे कि एट, ये नहीं है। तो एट आएंगे, ऐसे आएंगे तो हम क्या करेंगे? तो वैसे आएंगे ही नहीं, क्योंकि क्योंकि ये देखिए एट आया इधर, फाइव वन एट एट, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होगा। तो आपको समझ में नहीं आया हो तो ये देखिए, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, 63 एक आपको ये दिया जाए क्वेश्चन, और 1 टू 10 में से उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसा पता दिया जाए। तो आप क्या करेंगे? तो आपको पहले 63 ये सब के स्क्वायर निकालेंगे आप, मतलब ये मेथड ना यूज करके करेंगे तो सबके स्क्वायर निकालेंगे आप। ये देखिए इधर निकाले, और 63 कहाँ आता? किधर भी नहीं आता। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए 63, तो इसके इन इसके बीच में 63 आता ही नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दे के क्या फायदा, मतलब वो क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके एंड में 1, 4, 9, 6, 5 और 0। और आपको ध्यान रखना होगा कि ये मेथड सिर्फ 3 डिजिट तक के नंबर के लिए चलेगी, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 2 डिजिट और 1 डिजिट नंबर के लिए ये मेथड नहीं चल सकती। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और कमेंट में भी जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।